डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इससे पहले हम पढ़े थे केसीएल। तो इसका जैसे वो था कन्वर्जेशन वो चार्ज था, ऐसे ये है आपका जेशन ऑफ एनर्जी लॉ, एनर्जी लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है केसीएल में क्या था कि आपका इनकमिंग करंट बराबर किसके थी, आउटगोइंग करंट के। और ये वो किस पे लागू हो रहा था, एक नोड पे लागू हो रहा था। ये किस में लागू होगा, केबीएल किसी लूप में। तो हमेशा ध्यान रखना केबीएल कहाँ लगता है, एक लूप में, और केसीएल कहाँ लगता है आपका, एक नोड पर या जंक्शन पर। क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच, जितने ब्रांचेस हैं वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क इज ज़ीरो। क्या कहना चाह रहा कि किसी बंद परिपथ में, लिखते रहना साथ में, किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टताओं का समेशन एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। ठीक है, देखिए ये क्या लगा है आपका, कोई वोल्टेज सोर्स बी वन, ये रेजिस्टेंस आई वन आर वन। ठीक है, ये एक वोल्टेज सोर्स और ये एक रेजिस्टेंस आर टू। ठीक है, यहाँ वोल्टेज कितना होगा बी टू, ये बी थ्री, ये बी फोर, और ये आपका बी फाइव, और ये बी सिक्स, ये आर थ्री। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी बंद परिपथ में अगर यहाँ से ये ओपन कर दिया जाए तो केबीएल कभी भी आपका अप्लाई नहीं होगा। वो किस पे अप्लाई होगा आपका, बंद परिपथ में। तो ये बंद परिपथ, ठीक है, क्लोज लूप में जो समेशन होगा वो बोल्ट कितना होगा, बोलो भाई, इन क्लोज लूप में क्या होगा, जीरो। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ कितना होगा प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, क्यों, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आपका ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, अगर इसमें करंट की डायरेक्शन ये है कितनी है आई, और ये कितना आर, तो यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ, तो यहाँ कुछ ना कुछ क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो ये क्या रखेंगे आप आई आर। तो या ऐसे समझिए, या फिर जो साइन आपको पहले मिले, ये माइनस मिल रहा है तो इसे रखिए, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, या माइनस, जो साइन, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ लिखिए नोट करके, जो साइन सबसे पहले मिले उसे उसके साथ ही लिखो। वरना बहुत सारे आपको समझाते होंगे कि यहाँ प्लस रखिए, आई आर रखिए, ये ड्रॉप होगा, ये होगा, वो होगा, बस आप ध्यान रखो कि जो साइन आपको सबसे पहले मिले बस उसे ही रखना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या मिला माइनस, तो यहाँ माइनस का बी वन, ठीक है, यहाँ फिर प्लस, प्लस, यहाँ कितना है बी टू, यही इसे ही लिख सकते हो आई इंटू आई, इसे आई रखिए, इंटू आर वन। ठीक है, फिर कौन सा साइन मिला आपको प्लस, कितना मिला बी थ्री, फिर कौन सा साइन मिला प्लस, कितना मिला आई इंटू आर टू, अब कितना कौन सा साइन मिला माइनस का, माइनस का कितना बी फाइव, अब यहाँ कौन सा साइन मिला प्लस, कितना मिला आई इंटू आर थ्री बराबर जीरो। यही रहता है आपका के बी एल। समझ में आया कि किसी भी बंद परिपथ में
किसी भी बंद परिपथ में जितनी भी वोल्टताएँ लगी हैं उनका समेशन क्या होता है आपका, जीरो। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो साइन आपको सबसे पहले मिले बस उसी को नोट करते चले जाओ, ठीक है, उसे ही नोट करते चले जाओ। तो इतना समझ में आ गया होगा। और न्यूमेरिकल देखते हैं एक, उससे हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये कोई आपका एग्जाम्पल है, ये कितना 5 वोल्ट, तो इसमें क्या फाइंड करना है आपको, करंट फाइंड करनी है, ठीक है। वैसे क्या करते हैं आप, जब पहले ये पढ़े नहीं होते KVL तो क्या करते हैं, इसे सीरीज़ में काउंट करते हैं, कितना हो जाता है 3 और 2 7, बाकी का इसमें KVL वो लगा देते हैं, कितना होता 5 6 12 और 2, लोअर टू हायर। अब इसमें क्या है आपको, क्लोज लूप बनना है, कैसा है, क्लोज्ड लूप। अब क्या होगा कि इसमें आपको पोलैरिटी पहचाननी है, कौन से प्लस माइनस। तो एक बात हमेशा याद रखना, नोट करके लिख लो, नोट करके, जहाँ जहाँ इस हिसाब करो, जहाँ करंट एंटर करती है वहाँ प्लस साइन होता है, ठीक है। अब मुझे बता सकते हो क्या क्या होगा, तो करंट डायरेक्शन इधर है तो ये माइनस होगा, ये तो प्लस होगा क्योंकि ये पोलैरिटी दी है वोल्टेज की, यहाँ क्या होगा प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ जो पोलैरिटी दी है प्लस माइनस होगा, बट यहाँ करंट एंटर कर रही है तो यहाँ क्या होगा प्लस माइनस। अब यहाँ पोलैरिटी दी है, यहाँ क्या होगा प्लस वो माइनस प्लस। अब देखो करंट यहाँ एंटर कर रही है तो यहाँ क्या होगा प्लस और माइनस, यहाँ तो माइनस प्लस हो गई पहले से, ठीक है। अब आपको KVL अप्लाई करना है, लूप एक में क्या करना है KVL अप्लाई करो। अब हमेशा याद रखना जो साइन आपको सबसे पहले मिले, चाहे आपको कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, बस इतना याद रखना जो साइन आपको सबसे पहले मिल रहा है बस आपको उसे ही ध्यान में रखना। तो यहाँ क्या मिला सबसे पहले, माइनस, तो माइनस का कितना 5, यहाँ कितना है प्लस, और यहाँ वोल्टेज कितना होगा V बराबर IR, तो I कितनी है I, और R कितना 2, तो कितना साइन है प्लस, प्लस का कितना मिलेगा 2 × I, फिर प्लस साइन मिला, प्लस का कितना मिला 6, ठीक है। अब कितना साइन मिला प्लस, प्लस का कितना मिलेगा 2, और I की वैल्यू कितनी है I, फिर कितना मिला माइनस, ये साइन माइनस मिला पहले तो माइनस का 12, ठीक है। फिर कितना मिला प्लस, प्लस का कितना मिला 3 × I, अब कितना माइनस, माइनस का कितना मिलेगा 2, बराबर किसके होगा 0 के। यही क्या होता है आपका KVL। अब अप्लाई कर दो, कितना है माइनस, माइनस के देख लो, माइनस का कितना है 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, माइनस का 19, ठीक है। प्लस, प्लस का कितना है 2 और 2 4 और 4 7, प्लस का 7i बराबर 0, तो अब 0, तो 7i बराबर कितना होगा 19, और i बराबर कितना मिल गया आपको 19/7 एम्पियर, ठीक है। तो आपको बस सारे न्यूमेरिकल ऐसे करने हैं, और बाकी का आगे न्यूमेरिकल कराएंगे, तो ये न्यूमेरिकल आपको ऐसे करना है, आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।